आप देख रहे हैं बेसिक कुकिंग विद मंदीप। आज आपके साथ एक दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही हेल्दी बनती है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बना रही हूँ चना पालक दाल, इसे पालक का साग भी बोलते हैं, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके लिए मैंने यहाँ आधा कटोरी चना दाल, मैंने इसको 15 मिनट पहले भिगो दिया था। ये मैंने पालक ली है, जो एक गुच्छी पालक की आती है उसमें से मैंने आधा गुच्छी ले ली है। कुकर में मैंने पानी रख दिया है, दाल डालते हैं इसमें। यहाँ मैंने आधा कटोरी दाल ली है, 3 कटोरी मैंने पानी लिया है। ये अभी पालक डालते हैं इसमें। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं। 1 सीटी हम इसकी हाई फ्लेम पे लगवाएंगे और फिर 7 से 8 सीटी लो फ्लेम पे लगवाएंगे। सीटी लग चुकी है, चलिए दाल को देखते हैं। दाल हमारी बन चुकी है। यहाँ मैंने पालक जैसे थोड़ी कम डाली थी, अब पालक अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, इसमें डाल रही हूँ जीरा, 1 तेज़पत्ता और दालचीनी की स्टिक। इसमें डाल रही हूँ प्याज, यहाँ मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। जो चना पालक दाल बनाई जाती है आप लहसुन छील के डाल सकते हो जब हम दाल को बॉयल करते हैं। प्याज हमारे पक चुके हैं, अभी मैं टमाटर डाल रही हूँ। इसमें टमाटर ज़्यादा डाला जाता है, यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं और साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है। टमाटरों के साथ उसको मैंने काट लिया था। टमाटर को हमने तब तक पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए और तेल ना छोड़ दे। गैस जहाँ मैंने मीडियम रखा है, 2-3 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच मिर्च का डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 1 चम्मच किचन किंग धनिया पाउडर, इसमें मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। चलिए मिक्स कर लेते हैं। देखिए तड़का कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। इसको हमने लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसी तरह से पकाना है। ये तड़का बन चुका है, अभी हम इसमें दाल डालते हैं अपनी। मिक्स कर लेते हैं इसको। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप थोड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि दाल थोड़ी ठंडी होकर गाढ़ी हो जाती है। मुझे इसमें पानी ठीक लग रहा है तो मैं नहीं डाल रही। इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच। इसको मिक्स कर देते हैं, 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। चना पालक दाल हमारी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।